उकलाना में बदमाशों के हौसले आसमान छू रहे हैं। पुलिस से बेखौफ बदमाश किसी भी घटना को अंजाम देने से नहीं डरते। मामला देर रात्रि का है, जहां उकलाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी पर हथियारबंद लोगों ने हमला करके 80,000 नकदी और लैपटॉप की लूट कर ली। मिली जानकारी के अनुसार अतुल मित्तल उकलाना में ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है। वह गत रात्रि लगभग 8:15 बजे के बाद अपने ऑफिस से घर जा रहा था। जब अतुल अपने घर के समीप पहुंचा, तो पीछे बाइक पर 3 नकाबपोश उसके पास पहुंचे और उससे बैग छीनने लगे। तकरीबन 8 बजे अपने ग्राहक सेवा केंद्र से घर की ओर आया जी। मेरे पास काला बैग था, उसमें 80,000 रुपये नकद और एक लैपटॉप था। मैं अपने घर के पास आगे रुका, पीछे से 3 बदमाश आए जिनके पास हथियार थे और उन्होंने मुझसे छीनने की कोशिश की। आथा भाई में उनसे हथियार चला नहीं, लेकिन वो मेरे यहाँ हथियार से चोट मार के चले गए और वो बैग और मेरा नकदी जो काले बैग में था वो छीन के ले गए। कितनी नकदी क्या सामान था? 80,000 रुपये नकद था जी और एक लैपटॉप था जी। आपने इसकी सूचना कहाँ दी? पुलिस स्टेशन दी है? क्या किया? पुलिस स्टेशन में सूचना दी है जी। इसकी कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं जी वो अभी। बरवाला की डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि उकलाना में ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे अतुल जब अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसके मकान के पास से 80,000 नकदी और लैपटॉप छीनकर फरार हो गए। डीएसपी बरवाला ने बताया कि मौका वारदात पर एक जिंदा कारतूस मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि नकाबपोश लुटेरे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यहाँ अतुल जी है, अपने सेठ है, उनकी वो SBI के ग्राहक सेवा केंद्र खोल रखा है। वो अपने घर आ रहे थे, उनके पास लैपटॉप और पैसे थे, उसमें से 80,000 रुपये और एक लैपटॉप गया। मौके वारदात पर एक जिंदा कारतूस मिलने की सूचना भी? हाँ, जो भी है वो तो मौके पर मिला है, उसको लेंगे कब्जे में फिर दौरा। तो इस पे क्या कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कुछ आश्वासन? कार्रवाई चालू होगी, पुलिस आ चुकी है।